अस्सलाम वालेकुम वर्सो यार, बैक अगेन दिस अनदर व्लॉग। तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का होने लगा है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा को। तो आज हम रिएक्शन लेंगे शाम वगैरह के, कौन जीतेगा और कौन सा प्लेयर उनका फेवरेट है जो कल 50 कर सकता है। पहले शाम साहब का रिएक्शन लेते हैं कि कौन जीतेगा के और कौन सा प्लेयर उनका फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश ले वीडियो बना रहा है, मेरी बुखार चढ़ा हुआ है। और भाई बुखार चढ़ा हुआ है, हम क्या करें, चढ़ा हुआ। तुम मुझसे जो सवाल पूछा गया वो तो कल पाकिस्तान जीतेगा के इंग्लैंड। पाकिस्तान वर्ल्ड कप फिर पाकिस्तान आ रहा है। हाँ जी। किसके साथ? किसके साथ? जहाज पे किस पे? वैसी वो शायद हमें ट्रॉफी भी दे सकते हैं, शायद हमें ट्रॉफी भी दे सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कल कौन स्कोर कर सकता है और किसको पहली बारी लेनी चाहिए? इंग्लैंड को ले दे के और 150 तक रोकना चाहिए ताकि हम चेस अच्छी तरह कर सकें, क्योंकि हमारी बॉलिंग ही है अच्छी। अगर हमने उनको कम स्कोर पर रोका तो जीत सकेंगे, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने हमें इंडिया वाला हाल कर देना है। दो दफ़ा मैच देने गए थे यहाँ पे, हुआ था इंग्लैंड का और उसका, ये जब सीरीज हो रही थी तो उन्होंने हमें मारा ही बड़ा था। 5 ओवरों में उन्होंने हमें 6 ओवरों में 60 स्कोर मारा हुआ है। हमारी बॉलिंग अच्छी, लेकिन अब नसीम शाह भी है, नसीम शाह और शहीन अफरीदी को पहले ओवरों में विकेट निकलवानी चाहिए। बात तो सही है। चलो ठीक है जी, शाम साहब का आपने रिएक्शन दे लिया, अब हमदा साहब का रिएक्शन लेते हैं। हमदा साहब आ गए, हमदा साहब इधर बैठो, तुम हमारे सवाल पूछ लिया दो तीन। पाकिस्तान जीतेगा कल, किसको पहली बारी लेनी चाहिए? पहली बारी इंग्लैंड को लेनी चाहिए। पाकिस्तान चेस कर लेता। तो कल कौन सा बॉलर आपका ज्यादा विकेट लेगा? बता। कितना स्कोर कर सकता है ये? इसको बारी मिलेगी कल? दोनों ने चेस कर दिया। ओ भाई आर यू कॉमेडी मी, तुम बहुत आगे पहुंच गए हो। हर बार ही होता है वो सेमीफाइनल, इंडिया था जो खा गया। इंग्लैंड को भी 200 चेस किया था ना, वो तो उन्होंने खुद दिया था तुम्हें, किया था ना चेस, तो कर सकते हैं। बस पाकिस्तान ने बटलर को आउट कर लिया और एलेक्स हिल्स को आउट कर दिया, फिर पाकिस्तान के हाथ में मैच वरना फिर समझ दो फिर 50-50। बड़ा लंगी गोल आ रही है, चेक करो क्या बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बार भाई, फिर कल पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है कि नहीं जीत रहा? हां डेफिनेटली। क्या बात है। अच्छा आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर कल T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं तो आप मेहरबानी फरमाकर सियासत में 10 साल के बाद ना घुसिएगा। आगे हम 1992 का इमरान खान साहब ने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया और सियासत में आ गए, हमारा जीना आराम कराया। Absolutely not. और मैंने तो बिस्ती कर दी है भाई। मेरी भी बात करा। एहे रहा नहीं जाता। भाई वो चूचो, वो किंग है, वो चूचो से बात नहीं करते। तुम्हारी बात करो। चूचो से नहीं बात करते। तुम्हें घर से कोई बाहर नहीं निकलने देता, तुम्हारे पास सिरिंज वो है नहीं, नाली है नहीं जिसके अंदर तुम बैठते हो बस। तुम्हारे पास है यार एक, इन्होंने बड़ा तंग करा है शुभा शरीफ साहब ने मुझे। क्या बोला तूने? बार बार कॉल कर कर के तंग करी यार। उठालो, उठालो। नहीं यार वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि बाबर आजम को सिफारिश करो मेरी, बाबर आजम ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उनको जब से पता चला है कि जीतने वाले को $16,00,000 का इनाम मिलना है, वो बार बार, पहले उन्होंने बाबर आजम ने उनका कॉल उठा लिया एक, उन्होंने बाबर आजम को कहा कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे है, मैं तेरे प्यो शिकायत लाना। बाबर आजम साहब ने उनको ब्लॉक कर,
वो मेरे से कह रहे हैं कि सिफारिश कर दो, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा उनका। मैं बाबर आजम साहब के सामने दलील नहीं हो जाता, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भी ब्लॉक कर दे। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। तो कमर साहब से कमर साहब का रिएक्शन ले लिया, मैं सर का रिएक्शन लेने जा रहा हूँ। इससे पहले ये रमजान साहब कह रहे हैं मेरे से ही पूछो कौन जीतेगा। रमजान साहब बताओ कल कौन जीतेगा? पाकिस्तान 250। ओ भाई ये तो बहुत ही पाकिस्तान, वो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान पहली बारी ना ले, वो पहली 250 बने। अजीब तैयार पाकिस्तान जीतेगा कल इंग्लैंड, जिसको अल्लाह ताला इज्जत बख्शी वो जीतेगा। बात तो सही है, वो तो जीतेगा, लेकिन लेकिन बहुत उम्मीद पाकिस्तान की है इंशाल्लाह। ठीक है, सरकार ने एक्शन ले लिया, बाद में लो जी हमें अब मनान साहब हमें मिले हैं। मनान साहब से पूछते हैं कल कौन जीतेगा, ये वैसे उछलते रहते हैं, इनको उछलने की आदत है। मनान साहब कल कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा कि इंग्लैंड? पाकिस्तान। कल कौन स्कोर करेगा पाकिस्तान के प्लेयरों में से? बाबर आजम। अच्छा ओ बाबर आजम, चलो आगे। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आरिस, तीन ही आउट हो गए। फिर ये हो तो फिर चाचा मार लेगा, शहजाद मार लेगा। अच्छा चाचा ही चाचा है। चलो ठीक है जी, मनान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन कोई पता नहीं है पाकिस्तान हट भी जे फिर लिया कि इनके हिसाब से कौन जीत सकता है। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए। सारे कह रहे हैं 1992 का वर्ल्ड कप रिपीट हो रहा है, और उस टाइम भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का ही फाइनल आया था और पाकिस्तान जीत गया था। इंशाल्लाह कल भी पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन ये ना हो गए इंग्लैंड 1992 का वर्ल्ड कप का बदला कल ले ले। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अब लेट्स सी कि कौन जीतता है, पाकिस्तान जीतता है कि इंग्लैंड जीतता है। कल बहुत ही बड़ा मैच होना है अगर हो गया तो, अगर बारिश ना हुई तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं आपको। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियो मिलती रहे। और ये छोटी सी बस वीडियो है, ऐसे ही छोटे बड़े छोटा बड़ा होता रहता है व्लॉग, बात नहीं समझ।